हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्टी बातें। और आज का ये वीडियो है फ्रेंड्स, फिर से एक ब्यूटी टिप को लेकर। यस, और आज का ये ब्यूटी टिप है फ्रेंड्स बहुत ही खास, और वो इसलिए खास है क्योंकि ये आपको बाहर से ही नहीं अंदर से भी अपने आप को केयर करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मदद करता है। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, और हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है अपने आप को पूरी तरह से केयर करने का। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सा ब्यूटी टिप है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि आज का ब्यूटी टिप है एलोवेरा के ऊपर। यस, अगर आप अपने आप को अंदर से स्वस्थ रखना चाहते हो तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। यस, आप एलोवेरा जूस पी सकते हो और उसे आप पानी के साथ मिलाकर भी पी सकते हो। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपका वेट लॉस भी हो सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स एलोवेरा का यूज़, जो आप अपने बॉडी के अंदर को केयर करने के लिए कर सकते हो। अब आते हैं फ्रेंड्स कि बॉडी के बाहर अगर आपको अपनी केयर करनी है तो आप एलोवेरा का यूज़ कैसे और किस किस तरह से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे हेयर्स की। यस, एलोवेरा जेल या एलोवेरा का जूस आप अपने हेयर्स पे भी लगा सकते हो। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या फिर वो बादाम ऑयल हो, कोई भी हेयर ऑयल हो फ्रेंड्स, जो भी आपको पसंद है, आप उसके साथ थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिए और उसे अपने स्कैल्प पे हेयर वॉश के पहले 5 मिनट तक मसाज कर ले। उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स फ्रेंड्स आप शैम्पू कर लीजिए और आप देखिए आपके बाल कैसे सिल्की और शाइनी बन जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, एलोवेरा का यूज़ होता है एंटी डैंड्रफ के लिए भी। यस, अगर आपको डैंड्रफ है तो भी आप एलोवेरा जेल को यूज़ करके डैंड्रफ हटा सकते हो। और एक चीज़ एलोवेरा करती है वो है हेयर ग्रोथ। यस, अगर आपके बाल झड़ते हैं फ्रेंड्स और आपको बहुत सारे नए बालों की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल स्टार्ट कर दीजिए। आप मार्केट से भी एलोवेरा जेल खरीद सकते हो या फिर आप घर पे ही एलोवेरा को ग्रो कर सकते हो किसी छोटे से प्लांट के पॉट पे, और उससे आप उसका जूस निकाल सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा एलोवेरा का सेकंड टिप जो है हमारे हेयर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं एलोवेरा का यूज़ अपने फेस या अपने बॉडी के स्किन के लिए। हाँ फ्रेंड्स, तो एलोवेरा हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो सबसे पहला एलोवेरा का काम है वो है हाइड्रेशन। यस, अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको अपना फेस धो लेना है, फेस पे कोई इम्प्यूरिटीज़ नहीं चाहिए, कोई डस्ट नहीं चाहिए, बस आप फेस को पूरी तरह से क्लीन कर लीजिए और ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आप एलोवेरा जेल को डायरेक्टली अपने फेस पे लगा लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब वो बिल्कुल सोक कर लेगा आपका स्किन एलोवेरा के जेल को, उसके बाद आप उसे ठंडे पानी से धो लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स। और क्या करता है एलोवेरा फ्रेंड्स, एलोवेरा एंटीसेप्टिक का काम भी करता है फ्रेंड्स।
अगर आपके पिंपल्स हैं तो भी आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके पिंपल्स को भी रिमूव करता है। और एलोवेरा जेल इन सब के साथ साथ आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो भी देता है। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एलोवेरा का जेल है जो मैं पतंजलि से परचेज करती हूँ। मुझे पतंजलि का एलोवेरा जेल बहुत पसंद है, मैं आपको दिखाती हूँ प्लीज। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देती हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा इनटेक करनी है, चाहे पानी के साथ हो या फिर एक चम्मच में उसका जो भी आप जूस निकालो उसे आप ले लो। सेकेंडली, अपने हेयर्स में, अपने स्कैल्प में आपको एलोवेरा जेल का मसाज करना है। और थर्डली, आपको अपने स्किन पे एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करना है, उसे लगा लेना है। तो आप फ्रेंड्स इसी तरह से अंदर से एज वेल एज बाहर से अपने आप को केयर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पतंजलि का एलोवेरा जेल ये आप हेयर्स के लिए, स्कैल्प के लिए और स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसे इनटेक नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो फ्रेंड्स, मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए आई होप थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा होगा। आप एलोवेरा का इस्तेमाल करके देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर इफ़ेक्ट नज़र आएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।